टी20 वर्ल्ड कप 2023 से पहले भारत की टीम को बहुत ही तगड़ा झटका लग चुका है, जहां पर जसप्रीत बुमराह पूरे के पूरे टी20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम से आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। ऐसे में जहां एक तरफ जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर अभी भी माथापच्ची जारी है कि मोहम्मद सिराज या फिर दीपक चहर या फिर मोहम्मद शमी, इनमें से किस प्लेयर को टी20 वर्ल्ड कप के लिए भेजा जाए, तो भारतीय टीम ने एडिशनल आने वाली इंजरीज को ध्यान में रखते हुए दो और फास्ट बॉलर्स को भारत के टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है। दरअसल जो मोहम्मद शमी और उनके साथ ही मोहम्मद सिराज में से कोई एक प्लेयर टी20 वर्ल्ड कप में जाएगा, वो भी इंजरी प्रोन काफी ज्यादा रहते हैं। ऐसे में भारतीय टीम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती है कि अगर वर्ल्ड कप के दौरान उनको कोई इंजरी हो जाती है तो उस टाइम पर उनको डायरेक्ट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पर भारत से किसी रिप्लेसमेंट प्लेयर को वहां पर भेजना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं रहेगा। और इन्हीं सब रीजंस के चलते हुए बीसीसीआई के द्वारा दो फास्ट गेंदबाजों को ऑलरेडी टी20 वर्ल्ड कप के टीम के साथ भेज दिया गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी के अंदर खेल चुके मुकेश चौधरी, जिनको हमने इस बार के आईपीएल के सीजन में देखा था, और इनकी लेफ्ट हैंड गेंदबाजी के ऑप्शन की वजह से इनको टी20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम के साथ शामिल कर लिया गया है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एमएसडी खुद भी चाहते थे कि इनको टी20 वर्ल्ड कप में भेजा जाए, तो उनके कहने पर मुकेश चौधरी को टी20 वर्ल्ड कप में शामिल किया गया है। इनके बाद जो दूसरा बॉलर है वो है चेतन सकारिया, सकारिया का भी बिल्कुल सेम रोल रहने वाला है, क्योंकि ये भी हमें बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं, और ऐसे में ये भी स्टैंड बाय और उनके साथ ही नेट बॉलर के तौर पर भारत की टीम के साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर वैसे तो ये भारतीय बल्लेबाजों को प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन अगर टीम में कोई जगह खाली होती है तो ये दोनों ही आपको उनके रिप्लेसमेंट बनते हुए नजर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।